निगम साहब, लगाइए कोई तिकड़म। नमस्ते सिद्धू जी। नमस्कार हजूर। नमस्ते शेखर जी। नमस्ते। हाय ऋतिक। ये हाय और नमस्कार यार समझ नहीं आई बात। कभी कभी बच्चों से सीखने को मिलता है कुछ। मेरे एक दोस्त हैं चंगा साहब, एक दिन चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंच गए। वेटर आया, बोला साहब क्या खाएंगे? ओ छोले भटूरे खाऊंगा यार। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं सर? बोला क्यों, छोले भटूरे खाना मजाक होता है? बोले नहीं सर, चाइनीज होटल में छोले भटूरे कहाँ मिलेंगे? ओ पता है मेनू, तू जा प्लेट लेके आ, छोले भटूरे साथ में लाया हूँ मैं। चंगा साहब की एक फैक्ट्री है, उनके यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। एक मजदूर आया, बोला साहब अब मेरे चार बच्चे हो गए, पगार बढ़ा दो मेरी। बोला चुप कर, चार बच्चे हो गए पगार बढ़ा दो, मैं अपनी फैक्ट्री का जिम्मेदार हूँ, तेरी फैक्ट्री का नहीं। हर आर्टिस्ट का परफॉर्म करने का अपना अपना एक स्टाइल होता है। दलेर मेंदू की देखिए, उनका स्टाइल ऐसा लगता है डमरू बजा रहे हैं। अदनान सामी को देखिए, सोचिए अगर दोनों लोग साथ में परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूट परफॉर्मेंस, तो ऐसा नहीं लगेगा कि मदारी डमरू बजा रहा हो, भालू नाच रहा है। वैसे हिंदुस्तान में कौन ऐसा पति है जो पत्नी पीड़ित नहीं है? सिद्धू साहब को छोड़ के इनकी पत्नी तो इनसे खुद ही पीड़ित है। घर में घुसते हैं, पता नहीं कौन से अजीब अजीब मुहावरों का तांडव शुरू कर देते हैं। आप आगे क्या? पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ जाता है सिद्धू साहब घर पे आ गए हैं। चलो कभी तो डरती है, वैसे तो मैं ही म्याऊं म्याऊं करता रहता हूं भाई, मुहावरों के वक्त डरती नहीं। कुछ भी हो, मैंने देखा है कि भाभी जी हैं बहुत नेक। नहीं समझता हूं, भाभी जी बहुत नेक हैं। ठीक है, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी भाभी जी इनके दुआ करती हैं कि सिद्धू साहब और तरक्की करें और दो चार फील्ड में घुस जाए। बेटा ऋतिक जी, सिद्धू साहब हमारे, इनकी नजर बड़ी पारखी है, पहली नजर में ही ताड़ जाते हैं कौन कलाकार कैसा है। माइक लेके आता है, रखता है माइक, वाइक सेट कर रहा है, तुरंत जान जाते हैं। ओ गुरु तुम्हारे अंदर वो बात है गुरु, जिस तरीके से पूत के पांव पालने में गुरु, और जिस तरीके से हीरा मोती रात दिन है गुरु, कमाल है गुरु, छा जाएगा गुरु। वो बोलता है साहब, साहब मैं पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ, माइक चेक करने आया था। सुबह की नाश्ते की टेबल पे बैठा हूँ, बच्चा अंडे लेके आ गया। मैंने कहा बेटा ये क्या है? कहने लगे पापा ये अंडे अम्मी ने दिए। मैंने कहा बेटा तुम्हारी माँ भी अजीब चीज़ है, सुबह नाश्ते की टेबल पे अंडा देती है, रात को सोते में दूध दे देती है। एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ी अच्छी सिंगर हैं, बहुत ज़्यादा उनके गाने हिट हुए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैडम आपका 5 साल पहले एक गाना आया बड़ा हिट हुआ। कहेंगे बात दरअसल ये है वली, तुम्हें क्या बताऊँ, जिस वक्त वो गाना मैंने गाया था ना, मेरा बड़ा वाला काशिफ जो है ना वो मेरे पेट में था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा उसके बाद आपका 1 साल के बाद एक और गाना आया, वो भी बड़ा हिट हुआ। कि वो दरअसल ये हुआ, वो जो गाना गाया था ना, मेरी छोटी वाली बेटी है ना समीना, वो मेरे पेट में थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक गाना और आपका बहुत ज़्यादा हिट हुआ, वो आपने कब गाया? कहने लगी उस वक्त मेरे पेट में ना आमिर था। मैंने कहा खुदा के लिए कभी तो खाली पेट गा लिया करो। परिजात खड़ी थी, मैंने कहा आप बड़ी खूबसूरत हैं, इसका राज क्या है? कहने लगी कुदरत का कमाल है। मुझसे पूछने लगी आप बड़े बदसूरत हैं, इसका क्या राज है? मैंने कहा अब्बा की लापरवाही। कहने लगी आपने अब्बा से पूछा नहीं? मैंने कहा पूछा मैंने अपने अब्बा से जाके। मैंने कहा ये क्या किया आपने, क्या किया है मेरे साथ, मेरे इतने भाई अच्छे अच्छे, बहन भाई सारे इतने अच्छे, मेरे साथ क्या क्या? कह रहे यार उस वक्त मैं टेंशन में था यार। महिला है 60-65 साल की, जो अक्सर मेरी क्लिनिक पर आती हैं, और उनके पास कंप्लेन करने के लिए दो ही सब्जेक्ट्स होते हैं, एक उनका घुटना और एक उनका पति। और 5-10 मिनट तक तो पता ही नहीं चलता कि घुटने की बात कर रही हैं या पति। क्या बात है यार, डॉक्टर साहब
बहुत तकलीफ देता है। इतने साल सहन कर लिया, अब सहन नहीं होता। आपको लगता है ये सीधा होगा? मैं तो कहती हूं कि अब इसे बदल ही डालो। मुझे तो अगर कोई प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो वो सुजैन और ऋतिक की। स्टोरी क्या थी कि मिस्टर एंड मिस मीट एंड किस, मोर किसेस मिस्टर एंड मिसेस। ये इनकी स्टोरी थी। और आजकल की प्रेम कहानी कितनी ब्रीफ होती है। ब्रीफ में भी होती है। हेलो, हाउ आर यू, या फिर हाय, कुछ ऐसे शुरुआत हो जाए। डू यू मिस मी, विल यू किस मी, पल में प्यार यूं पर फैलाए। और जब एक दूसरे से बोर हो जाएं, तो कारण प्रेमी ये बतलाएं कि यू आर वर्गो, आई एम स्कॉर्पियो, कुछ जम नहीं रहा। ओके, गुड बाय। वाली याद आई है, कैंटीन में बैठे बैठे कैंटीन का कैसा खाना खाते थे। कवाली की पहली दो लाइनें ऐसी हैं कि आज कैंटीन में खाना खाने वाले कल पछताएगा, बासी खाना खाने वाले डायरिया लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। तूने जो मंगाया है, तूने जो मंगाया है, कल का वो समोसा है, चुन के सबसे छोटा तेरे लिए परोसा है। कल का वो समोसा है, कल का वो उपमा तू मंगाएगा, उपमा तू मंगाएगा, मेंदू वड़ा आएगा, वड़ा खाएगा, फिर बिल बिरयानी का पाएगा, बिरयानी। खाली पेट आने वाले खाली जेब जाएगा, बासी खाना खाने वाले डायरिया, बासी खाना खाने वाले डायरिया। अब एयरपोर्ट गए, उसका काउंटर ब्लू, बोर्डिंग पास ब्लू, टिकट ब्लू, जहाज ब्लू, जहाज के अंदर सीटें ब्लू, एयर होस्टेस के कपड़े ब्लू, जहाज में फिल्म दिखाई। मेरी मुलाकात मलिका से हो गई, और मलिका भारत की सबसे शर्मीली हीरोइन है। मैंने उनकी तीन फिल्में देखी हैं, शर्मीली मजाले जो मुंह दिखाया हो। मुझसे कहने लगी, काशिफ मैं पाकिस्तान आऊंगी तो आपके यहाँ रुकूंगी। मैंने कहा, अगर आप रुकेंगी तो फिर मैं नहीं रुकूंगा। मुझसे बोली, काशिफ तो मुझे जहाज तक छोड़ दोगे? मैंने कहा, छोड़ूंगा तो नहीं। किसी ने कहा कि अगर शादी से पहले आपको कोई प्रॉब्लम हो तो शादी के बाद बीवी को सच सच बता देना चाहिए। तो मेरे एक दोस्त को प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसको बीवी को सच बताया। बेगम, मैं दरअसल शादी से पहले एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता रहा हूँ। तो कहने लगी, जी मैं भी एक साइकेट्रिस्ट, एक जर्नलिस्ट और एक बिजनेसमैन के पास जाती रही। हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में जब लड़का जवान होता है तो एक ख्वाब देखता है, वो कहता है मेरी ज़िंदगी में कोई माधुरी आएगी, मिलती अधूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ ना माधुरी मिलेगी, ना प्रीति, खालाजाद फुप्पीजाद पीपा मिलेगा भाई।